हेलो स्टूडेंट। तो इस समय हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं पाथ फाइंडर सरफेस टेंशन क्वेश्चन नंबर 7। और एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कई जगह के टेस्ट सीरीज में इस क्वेश्चन को देखा गया है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्रश फिल्म ऑफ सोप सोल्यूशन क्रिएटेड इन द लूप फॉर्म बाई द रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम इन एक्सटेंसिबल लाइट थ्रेड ऑफ लेंथ ए बी इज एल। इसका लेंथ जो है ना, दैट इज एल है। पुल द थ्रेड इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल। इफ फोर्स अप्लाई टू द मिड पॉइंट ऑफ द थ्रेड परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी टर्न वायर इंटू टू सेमी सर्कल एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सोल्यूशन। ठीक है, चलो हम इसकी एबीडी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। व्हाइट बोर्ड पे अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, तो ये सेमी सर्कल आप यहां बना दीजिए, ऐसा सेमी सर्कल बना दीजिए, दिस इज द सेमी सर्कल। अब यहां पे फोर्स आपने एफ लगाया है, यहां फोर्स आपने एफ लगाया है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो सो फिल्म है ना, इसमें आप पूरे फिल्म के बिडी ना बनाएंगे, सिर्फ स्ट्रिंग की एबीडी बनाइए, सिर्फ स्ट्रिंग की एबीडी बनाइए। अगर स्ट्रिंग की एबीडी बनाते हैं तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रिंग पे फोर्स परपेंडिकुलर लगाएंगे, ऐसे ऐसे फोर्स परपेंडिकुलर लगाएंगे। हम ओनली टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे फोर्स ऐसे लगाएंगे। अच्छा, इस स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह क्या होगा, सेम होगा। इस स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होगा। तो अगर सिर्फ स्ट्रिंग की एबीडी बनाओगे ना, सिर्फ स्ट्रिंग की एबीडी बनाओ, ऐसे सिर्फ स्ट्रिंग की वीडियो बनाओ, ऐसे सिर्फ स्ट्रिंग की वीडियो बना लो, सिर्फ स्ट्रिंग की एबीडी बना रहा हूं, और दोनों ही सेमी सर्कल्स हैं। तो मुझे बताओ, जितना इस रस्सी में टेंशन होगा हर जगह, क्या इस रस्सी में भी टेंशन वही होगा हर जगह? हाँ वही होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि रस्सी का टेंशन, अगर यहाँ पे एक पार्टिकल की बॉडी बनाते हैं, लेट्स पार्टिकल की बॉडी बनाते हैं, तो फोर्स तुम किधर दिखाओगे, ऊपर की ओर, दैट इज एफ वन। भाई ये जो कील है, यहाँ पे लगा हुआ कील, वो जो कील होगा वो इसी स्ट्रिंग को ऊपर की ओर खींच रहा होगा, ऊपर की ओर खींचेगा। तो कील ने इस रस्सी पे फोर्स एफ वन पर लगाया है, और इस रस्सी ने इस कील पे जो टेंशन फोर्स लगाया हुआ, रस्सी का टेंशन टी, वो डाउनवर्ड होगा। टेंशन को आप टी नॉट से मान लीजिए। अच्छा, यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, मैंने इस पार्टिकल का वीडियो बनाई है, यहाँ पे एक पार्टिकल की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो ये फोर्स आपने एफ लगाया है, अब दिखाएंगे। और यहाँ पे एक फोर्स आप डाउनवर्ड दिखाएंगे, दैट इज टेंशन टी नॉट, और यहाँ भी डाउनवर्ड फोर्स दिखाएंगे, दैट इज टेंशन टी नॉट। सिमिलरली, चूंकि टेंशन हर जगह सेम है, तो ये भी फोर्स एफ वन ही होगा, सिमेट्री से। और ये रस्सी का टेंशन टी नॉट, में नीचे को दिखा दिया। मतलब अगर मैं यहाँ के पार्टिकल्स की, यहाँ की पार्टिकल्स की, यहाँ की पार्टिकल्स की सिर्फ एबीडी बनाऊँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एबीडी ऑफ स्ट्रिंग, मैं स्ट्रिंग की एबीडी नहीं बना रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग की एबीडी नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ वहाँ के पार्टिकल की एबीडी बना रहा हूँ, सिर्फ पार्टिकल की एबीडी बना रहा हूँ, सिर्फ पार्टिकल की। तो यहाँ के पार्टिकल की एबीडी बनाई, यहाँ के पार्टिकल की एबीडी बनाई, स्ट्रिंग की पार्टिकल, यहाँ पे स्ट्रिंग के पार्टिकल की एबीडी बनाई, तो ये एबीडी है। अगर ये एबीडी है तो मुझे ये बताओ, और इस रस्सी का जो पार्टिकल होगा ना, यहाँ का जो रस्सी का पार्टिकल होगा, ओके, तो यहाँ के पार्टिकल पे, अच्छा यहाँ पे जो पार्टिकल है स्ट्रिंग का पार्टिकल, उस पे कील ने ऊपर फोर्स लगाया होगा, और रस्सी के में जो टेंशन टी होगा वो नीचे को होगा, ये बीडी से। इस पे सरफेस टेंशन आप नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, तो इसे की इसकी बीच का जो दूरी है ना, ये जो गैप बनेगा, दैट इज अप्रोक्सीमेट 0। तो सरफेस टेंशन फोर्स यहाँ पे नहीं है, सरफेस टेंशन फोर्स जहाँ से मॉक्यूल शुरू हो ना, वहां से आएंगे, वो भी परपेंडिकुलर ऐसे आएंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे।
यहाँ पे तो एग्जैक्ट, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे तो लिक्विड के पार्टिकल्स ही नहीं होंगे इस वाले एज पे, क्योंकि ये इस तरीके सरफेस चल रहा है ऐसे। तो मैंने सिर्फ इस पॉइंट की वीडियो बनाई है, अगर सही से देखो तो ऐसे है, इस तरीके से मैंने इस पॉइंट की वीडियो बनाई। इस पॉइंट पे फोर्स एफ दिखेगा और टेंशन टी डाउनवर्ड, अगर दो रस्सी है तो वो दिखेगा। और यहाँ पे जाओगे तो एग्जैक्टली ऐसे, इस तरीके से ऐसे। तो यहाँ पे कील का फोर्स दिखेगा, रस्सी का टेंशन टी दिखेगा, नो सरफेस टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस करो, तो यहाँ पे फोर्स क्या बैलेंस करोगे, एफ इज इक्वल टू बेसिकली 2T0 होगा, और F1 बराबर क्या होगा, दैट इज T0 होगा, अगर फोर्स को बैलेंस कर दो तो। अब मैं चाहता हूं कि ये जो पूरा फिल्म है ना, ये जो पूरा फिल्म है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो पूरा फिल्म है ना, उसकी बड़ी बनाते हैं, ये पूरे लिक्विड की फिल्म की बड़ी बनाते हैं, पूरे लिक्विड की फिल्म की। तो अगर पूरे लिक्विड की फिल्म की वीडियो बनाओगे तो तुम मुझे बताओ, ये जो रस्सी का टेंशन T0 है ना, ये 2T0, ये T0, ये इंटरनल की तरफ से गायब हो जाएगा, क्यों? क्वेश्चन है क्यों? तो गायब इस तरीके से हो रहा है कि आप इसको ऐसे दिखा रहे हो ना, इस तरीके से। तो इस वाले पॉइंट्स को, ये रस्सी के जिस पॉइंट्स को, रस्सी का नीचे वाला पॉइंट नीचे को खींच रहा है, तो ये इसको ऊपर को खींचेगा, फिर उसके नीचे वाला पार्टिकल इसको ऐसे खींच रहा है, तो ये इसको ऊपर को खींचेगा, फिर ये इसको ऐसे खींच रहा है, तो इसको ऊपर को खींचेगा। तो ये जो टेंशन टी है ना, वो इंटरनल की तरफ से गायब हो जाएगा। अगर ये रस्सी है इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ के पार्टिकल पे, रस्सी के यहाँ के पार्टिकल को, तो ये रस्सी का पार्टिकल है, रस्सी के पार्टिकल को नीचे का रस्सी का पार्टिकल ने T0 से खींचा है, तो ये पार्टिकल इसको T0 से खींचेगा, फिर नीचे वाला पार्टिकल इसको T0 से खींचेगा, तो फिर ये इसको T0 से खींचेगा। तो अगर बनाएंगे सिस्टम, जब लेंगे पूरी रस्सी को सिस्टम में लेंगे, पूरी रस्सी को सिस्टम लेंगे, तो ये फोर्सेस इंटरनल की तरफ से गायब हो जाएगा, रस्सी का टेंशन इंटरनल की तरफ से पूरा पूरा गायब हो जाएगा सिस्टम पे। तो सिस्टम पे टेंशन तो नहीं होगा, लेकिन जब ये बड़ी बनाएंगे तो ये जो रस्सी के पार्टिकल्स है ना, इन रस्सी के पार्टिकल्स को ये वाले लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे खींच रहे हैं, तो ये रस्सी इस पार्टिकल को ऐसे खींचेगा। जब पूरी की पूरी एबीडी बनाएंगे ना, पूरी की पूरी एबीडी बनाएंगे, तो ये भी फोर्स इंटरनल की तरफ से गायब हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ का पार्टिकल इस पार्टिकल को ऐसे खींच रहा है, तो ये इसको ऐसे खींचेगा, इंटरनल की तरफ से गायब। तो ये जो गायब होते होते पता कहाँ दिखेगा, इस वाले, इस पार्ट पे दिखेगा, इस पार्ट पे, इस वाले फ्रेम को, ये जो लोहे का फ्रेम है, इस लोहे के फ्रेम को ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे खींचेंगे। तो लोहे का फ्रेम इस लिक्विड के पार्टिकल के नीचे को खींचेगा, ऐसे नीचे को खींचेगा। सिमिलरली ये लिक्विड के पार्टिकल्स इस लोहे के फ्रेम को ऐसे खींचेगा, तो ये लोहे का फ्रेम इस लिक्विड के पार्टिकल को ऐसे खींचेगा। तो जब आप एफबीडी बनाएंगे इस पूरे पार्ट की, तो इस एफबीडी में आपको ऐसा दिखेगा, इस तरीके से ये आपका सेमी सर्कल ऐसे दिखेगा। अब तुम मुझे बताओ, क्या ये F1 दिखेगा? यस, F1 दिखेगा, क्योंकि किल ने रस्सी पे ऊपर लगाया है। ये वाला फोर्स F दिखेगा? यस, ये दिखेगा, क्यों? क्योंकि पर्सन ने इस एंड को ऊपर खींचा है। क्या F1 दिखेगा? हाँ। बट अगर मैं इस पूरे फिल्म की एबीडी बनाऊं, पूरे फिल्म की एबीडी बनाऊं, तो क्या इस पूरे फिल्म पे कहीं पर भी, कहीं पर भी इस रस्सी का टेंशन दिखेगा? नहीं दिखेगा, इंटरनल तरह से गायब हो जाएगा। और इस लिक्विड के पार्टिकल को, ये जो लोहे का फ्रेम है, आयरन का फ्रेम, वो ऐसे फोर्स लाएगा, लेट दिस फोर्स इज F3। सिमिलरली इधर के लोहे का फ्रेम, ये लोहे का जो ब्लैक फ्रेम है, इस लिक्विड के पार्टिकल को ऐसे खींचेगा, सिमिलरली F3 से। और ये जो नीचे का लोहे का फ्रेम है, वो इन लिक्विड के पार्टिकल को ऐसे खींचेगा नीचे की ओर, और ये फोर्स कितना होगा, तो सरफेस टेंशन टी इंटू यहां से लेके यहां तक की दूरी। अगर मैं कहूँ कि ये रेडियस, लेट्स R2 है, तो ये दूरी क्या होगा, R2, 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 टोटल 4R2। तो ये लेंथ हो जाएगा 4R2, तो सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होगा, टी इंटू 4R2। बट एक ट्वाइस मैं इस लगा रहा हूँ, क्योंकि इसके दो सरफेस है, लिक्विड का फिल्म है, एक ऊपर सरफेस है, एक नीचे सरफेस है। ऊपर का सरफेस फोर्स लगेगा टी टू इंटू टी इंटू 4R2 इधर, और नीचे का लिक्विड पे भी लोहे का फ्रेम फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे सॉरी, ऊपर के लिक्विड का ये दूरी कितनी है, 4R2 है ना, R2 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 R2, 4R2। तो ऊपर के सरफेस का फोर्स आएगा टी इंटू 4R2, और नीचे का सरफेस का भी टी इंटू 4R2, तो ट्वाइस आ गया। ये ट्वाइस का रीजन यही है, क्योंकि ऊपर का सरफेस के मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल्स अगर इस रॉड को ऐसे खींच रहे हैं, तो नीचे के भी सरफेस के मॉलिक्यूल्स इस रॉड को ऐसे खींचेंगे। ये फोर्स क्या आएगा, टी इंटू 4R2 यहाँ तक, और नीचे वाला टी इंटू 4R2 यहाँ तक, नेट फोर्स इधर। तो लिक्विड बॉडी बनाओगे तो वही जो इधर फोर्स दिखा रहे हो उसको
उल्टा दिखाओगे। उल्टा आप दिखाओगे, तो वही ट्वाइस में दिखा रहा हूँ, क्योंकि अच्छा इस पूरे एलबीडी में एक स्ट्रिंग है एंड दूसरा लिक्विड है और कोई फोर्सेस नहीं है। अब नेट फोर्स बैलेंस करो, तो ये एफ वन है ना, लेट्स ये एफ वन है ना, तो ये टू एफ वन प्लस एफ, टू एफ वन प्लस एफ इज इक्वल टू, टू एफ वन प्लस एफ इज इक्वल टू दिस फोर्स, दिस इज ट्वाइस, ट्वाइस क्या एट लिखो, एट फोर टू एट टी आर टू। अब आर टू निकालना बाकी है। अच्छा इसका पेरीमीटर क्या होगा, सेमी सर्कल है ना, तो पाई आर बनेगा, ये वाला लेंथ पाई आर बनेगा, लिखोगे पाई इंटू आर टू, ये भी लेंथ बनेगा पाई आर टू, पाई आर टू, तो ट्वाइस कर दो, तो पूरा लेंथ निकल गया पाई आर टू, पाई आर टू, टू पाई आर टू, और यही रस्सी का लेंथ है एल, तो आर टू क्या है, दिस इज एल अपॉन टू पाई, उठा के यहाँ प्लेस कर दो, बन गया टू एफ वन प्लस एफ इज इक्वल टू एट टी आर टू की जगह पे एल अपॉन टू पाई। अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ, दिस वन इज, यहां से बन जाएगा टू एफ वन प्लस एफ इज इक्वल टू टू, यहां से बनेगा दिस इज फोर टी एल अपॉन फाइव, क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा एफ और एफ वन में रिलेशन क्या है, ये टू टी दिख रहा है ना, मतलब आप चाहो तो इस एफ बराबर लिख सकते हो टू और टी नॉट की जगह पे एफ वन लिख दो, एफ वन, तो यहां से एफ वन क्या आ गया, टू एफ वन इज एफ, तो जहां टू एफ वन है वहां पे एफ लिख दो एफ, तो हो जाएगा एफ प्लस एफ दैट इज टू एफ इज इक्वल टू फोर टी एल अपॉन पाई, यहां से जाएगा एफ इज इक्वल टू टी बराबर क्या मिलेगा, दिस इज इसे से टी बराबर क्या मिलेगा, दिस इज एफ पाई अपॉन टू एल एंड दिस इज आंसर। ओके तो मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे कि लिक्विड फिल्म के बेड़ी बनाएंगे। अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होगा, ठीक है। सेकेंड, जब पूरे सिस्टम की बॉडी बनाओगे तो टेंशन इंटरनल की तरफ से गायब हो जाएगा, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड, जब पूरे सिस्टम की बॉडी बनाओगे तो लिक्विड के पार्ट इस वाली स्ट्रिंग पे जो लिक्विड के पार्टिकल जो फोर्स लगाएंगे वो इंटरनल की तरफ से गायब हो जाएगा और इस वायर फ्रेम का फोर्स लिक्विड पे आएगा। तो दैट्स थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट टेंशन एट ईच पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग विल बी सेम, अरे सेम होना ही चाहिए ना, क्योंकि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं स्ट्रिंग पे परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलर तो रस्सी के अलॉन्ग वाले फोर्स तो बराबर आएंगे ना हर जगह, तो ये वाला अलॉन्ग वाला फोर्स बराबर आएगा, बिकॉज जितने भी फोर्सेस हैं रस्सी के ऊपर लिक्विड के पार्टिकल को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, लिक्विड के पार्टिकल अगर हर पॉइंट पे रस्सी पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है तो रस्सी के अलॉन्ग हर जगह फोर्स क्या आएगा, सेम आएगा। एक बार फिर स्पेशल पॉइंट, रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा बिकॉज फोर्सेस अप्लाइड बाई ईच पार्टिकल ऑफ लिक्विड्स ऑन स्ट्रिंग पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग पार्टिकल्स, तो फोर्सेस हर जगह सेम आएगा। सेकेंड, जब भी आप सिस्टम की वीडियो बनाएंगे और इस सिस्टम में स्ट्रिंग एंड सोप फिल्म है, ओनली स्ट्रिंग एंड सोप फिल्म, तो स्ट्रिंग का टेंशन पूरी एफबीडी में गायब हो जाएगा इंटरनल फोर्स की वजह से, और साथ में लिक्विड के पार्टिकल का स्ट्रिंग पे फोर्स और स्ट्रिंग का लिक्विड पे फोर्स इंटरनल फोर्स गायब हो जाएगा। थर्ड, जो भी नेट फोर्स आएगा इस फिल्म पे वो इस फ्रेम से आएगा और इस फ्रेम से आएगा और इस फ्रेम से आएगा और यहाँ के किल से आएगा, यहाँ किल से आएगा और यहाँ पे जो पर्सन ने फोर्स लगाया उससे। ओके तो एक बार मैंने स्ट्रिंग के बीडी सी इक्वेशन लिया ये वाला और पूरे सिस्टम के बीडी सी ये वाला इक्वेशन लिखा, आंसर आ गया। थैंक यू।